हर बार पहले नंबर पर आने वाले सिविल अस्पताल पठानकोट अक्सर सुविधा ना मिलने के चलते लोगों की नाराजगी को झेलने को मजबूर पड़ जाता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब इलाज करवाने के लिए सिविल अस्पताल में पहुंचे लेकिन छुट्टी के चलते उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा, जिसके बाद लोगों ने सरकार के आगे गुहार लगाते हुए कहा कि छुट्टी वाले दिन भी इस अस्पताल में सुविधा मिलनी चाहिए। वहीं हिमाचल से एक परिवार ने कहा कि वह लगातार 3 दिन से यहाँ आ रहे हैं लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही मिलती है और आज फिर छुट्टी के चलते उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है, जिसके लिए वे पठानकोट प्रशासन से अपील करते हैं कि उन्हें सिविल अस्पताल में भी छुट्टी वाले दिन अच्छी सुविधा मिल सके। नूरपुर हिमाचल से जी, और इतना मेरे नूँह है उसकी पंजा छेवं महीना जरा लगे उसी तो उन्नी लिखी थी अल्ट्रासाउंड इतने की जी, तो मैं जितनी बार गया उन्हें अल्ट्रासाउंड नहीं की। एक दिन बठाली जहाँ बोला कागज खत्म हो गए तो हूँ बोलता पिछे दौड़ी आए तो बोलता मशीन खराब हो गई, अज आए तो इतने मिगे लुभा दा नहीं है। हूँ अग आया मैं असी सवेरे उसी दर्द पे गई पेट में तो असं हूँ गड्डी करके आए इतने इतना खर्चा करके अगर इतने दिखे तो वो डॉक्टर नहीं भी आनी। मांग करने कि छुट्टिया के दिन भी हस्पताल खुलना चाहता, क्योंकि साड़ी भी एडे दूरे से असं आना है कि साड़ी कोई देखभाल होनी चाहती। असं एक गरीब बंदे न असी अल्ट्रासाउंड बाहर नहीं करा सकते, तो उन्होंने लिखा फ्री का अल्ट्रासाउंड। मैं उसी फोन करना तो फोन कदा चुकता नहीं है, जो फोन करा अल्ट्रासाउंड वाले की तो वह बोलता है कि तुम फ्री आयो, फ्री आना तो इतना बोलता मशीन खराब है। हूँ बोलता उसका प्रिंट नहीं आ रहा कि इस असी इत अरदास करने कि यह जी मशीन है बिल्कुल ठीक होनी चाहती, साकी तो दौड़ नहीं होनी चाहती। दर्द है बाद इलाज कराने वास्ते है, पहले मिर्ची लैन एक दिन लग गया, दूसरे दिन एक्सरे लैन लग गया, कल छुट्टी अज फिर छुट्टी, डॉक्टर दवाई नहीं लिख के देगा मैं दवाई कितों ला गया। सरकार में चाहिए छुट्टी वाले दिन भी हॉस्पिटल खोलना चाहिए, अड्डी दूरों आ चल चल के आने 10-15 किलोमीटर आंदा छुट्टी होंगी है, फिर हमारे इलाज नहीं होगा तो कहीं काम नहीं करना। मेरा नाम दीप खरोड़ है तो मैं सुंदर नगर का रहने वाला ड्यूटी दफ्तर से, तो मैं इतने कल भी आया ही तो कल भी छुट्टी ही तो अज भी आया तो अज भी छुट्टी है। कभी इन्हें गुड डे हो जाता, कभी गुड डे फ्राइडे हो जाता, कभी कुछ हो जाता, तो जो भी आवा ना कम से कम पिछले शुक्रवार भी आया ही तो पिछले शुक्रवार भी छुट्टी ही, तो लाइन के मुताबिक जो इन्हें को पर्ची लैनी होवे ना इतों की तो घट्टो घट नहीं तो 4-4 घंटे लाइन के ला दें, जबकि एक परची कट्टन 2 मिनट लगने चाहिए मैक्सीम या 1 मिनट अंदर गल्ला करते रहते हैं बैठे, कोई सहूलत नहीं हैगी। जिहड़ी साडी सरकार बनी है भगवंत मान की, उन्हां नूं बेनती की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है कि हाथ जोड़ के जिहड़े सरकारी होस्पिटल उच्च फैसिलिटी दी जाण, जिदा MRI होगी, सिटी स्कैन होगी, इंडोस्कोपी होगी, इन्हां दे विच कोई अवेलेबल मशीन नहीं हैगी, जे होएगी भी तो गरीब बंदे की कोई सुनवाई नहीं इत्थे हैगी। तो साडियां इही बेनती हैगी कि भगवंत मान नूं जिहड़ी छुट्टी हैगी बकायदाबंदी उह दित्ती जावे, 4-4 दिन दी छुट्टियां लै के घर आ बह जांदे आ, कोई 100 किलोमीटर तो आए दा, कोई 50 किलोमीटर तो आए दा, छुट्टी करके अपनी दिहाड़ियाँ भण के किसी की 200 रुपये दिहाड़ी, किसी की 300 रुपये दिहाड़ियाँ भण के अपनी इतने आते हैं, तो फिर भी छुट्टियाँ मार के घर बैठे रहन, तो फिर फायदा की है। भगवंत मान नूं यही रिक्वेस्ट है कि सरकारी मुलाजम वास्ते कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए, दायरे के जिहड़ी छुट्टी हैगी वह दो, जिहड़ी ज़्यादा छुट्टियाँ हैगियां वह अवेलेबल नहीं करो। साडी तो बेनती है, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह।